अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे था जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। उसमें भी हमें एक न्यू सेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था और 3 सेट दिए हुए थे ए बी सी एंड डी, और उसमें 4 सेट दिए हुए थे, तो उनके हमने क्या कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने। अब यहाँ में भी देखें, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और आगे एक्स वाई एंड जी 3 सेट्स दिए हैं और उनके हमने कम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड करें एक्स कम्प्लीमेंट। अगर यू एक्स वाई एंड जी ये सेट्स हैं देन फाइंड एक्स कम्प्लीमेंट। अब एक्स कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, कल भी हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हमने पढ़ा, किसी भी चीज़ का अगर कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू डिफरेंस ए, बी का करना है तो यू डिफरेंस बी। अब हम एक्स का कर रहे हैं तो यू डिफरेंस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यू डिफरेंस एक्स किसके इक्वल होगा, यू यू हमारे पास है ए बी सी सो ऑन अप टू आई, यानी ए से लेके आई तक सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, डिफरेंस एक्स। अब एक्स क्या है हमारे पास, ए बी सॉरी ए सी ई जी एंड आई। अब डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यू के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में सॉरी यू के वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स में ना हो। अब ए एक्स में है वो नहीं आएगा, बी इसमें नहीं है तो वो आ जाएगा, सी इसमें भी है इसलिए वो नहीं लिखेंगे, अब डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है वो लिख देंगे, ई इसमें भी है और इसमें भी है वो नहीं लिखेंगे, एफ इसमें है इसमें नहीं है वो लिख देंगे, जी इसमें है और इसमें भी है इसलिए वो नहीं लिखेंगे, उसके बाद एच इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमने इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं यू के जो इसमें ना हो, तो एच इसमें है इसमें नहीं है तो इसलिए वो लिख देंगे, और उसके बाद आई इसमें भी है तो बस यहाँ पे एलिमेंट्स ख़त्म। तो ये आएगा हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट का सेट, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखें वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वाई कम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा सॉरी वाई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस वाई। अब यू साइड हमारे पास क्या था, ए बी सी सो ऑन अप टू आई, आई तक थे, और वाई साइड है हमारे पास ए ई और आई, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यू डिफरेंस ए, तो यू डिफरेंस ए में यू के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सॉरी यू डिफरेंस वाई फाइंड करना है, यू यू डिफरेंस वाई में यू के वो एलिमेंट्स आएंगे जो वाई में ना हो, ठीक है। तो ए जो है वो वाई में है वो नहीं लिखेंगे, बी वाई में नहीं है वो लिखेंगे, सी इसमें नहीं है लिख देंगे, डी इसमें नहीं है लिख देंगे, ई इसमें है इसलिए वो नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं है, जी लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं है, एच भी लिखेंगे क्योंकि इसमें वो नहीं है, और आई इसमें है इसलिए वो नहीं थी। तो वाई कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, बी सी डी एफ जी एंड एच जी। नेक्स्ट इसके पास हमारे इसके बाद हमारे पास है जी कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है जी कम्प्लीमेंट। तो जी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यू डिफरेंस जी, यू हमारे पास था ए बी सी सो ऑन अप टू आई, डिफरेंस जी है हमारे पास ए जी एंड एच। अब डिफरेंस फाइंड करेंगे, ए देखें इसमें है तो यहाँ नहीं आएगा, बी इसमें नहीं है आ जाएगा, सी भी उसमें नहीं है आ जाएगा, डी भी नहीं है ई भी नहीं है एफ भी नहीं है, उसके बाद जी और एच इसमें है वो यहाँ नहीं आएंगे, और आई उसमें नहीं है तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो जी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, बी सी डी ई एफ एंड आई। इसके बाद हमारा इसका फोर्थ पार्ट है यू कम्प्लीमेंट फाइंड करना, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे तो उसको यू में से माइनस कर रहे थे, मतलब यू के साथ उसका डिफरेंस दे रहे थे, अब यू का ही कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसका मतलब है यू डिफरेंस यू ही आएगा, ठीक है। यू का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, यू डिफरेंस यू। तो अब यू क्या है, ए बी सी सो
आई डिफरेंस ए बी सी सो ऑन अप टू आई, ठीक है जी। अब देखिए हमने फाइंड करना है यू डिफरेंस यू। अब देखिए दोनों साइड्स जो हैं वो सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों यू ही हैं तो दोनों के एलिमेंट सेम हैं। अब देखें कि हम जब भी डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं। अगर हम यू डिफरेंस ए फाइंड कर रहे हैं तो हम यू के वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में ना हो। अगर यू डिफरेंस बी ले रहे हैं तो यू के वो एलिमेंट्स लेंगे जो बी में ना हो। तो अब देखें यू का यू के साथ ही डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो हमने इस सेट के जो फर्स्ट वाला सेट है इसके हमने वो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो सेकेंड वाले में ना हो। तो अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों ये दोनों सेट्स बिल्कुल सेम है तो इस सेट के कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में ना हो। इसका मतलब है कि इसका जो कम्प्लीमेंट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं। जबकि हम लोग जब डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम लोग वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं पहले वाले सेट के जो दूसरे वाले सेट में ना हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहला और दूसरा सेट बिल्कुल सेम है, जो एलिमेंट्स इसके हैं वही एलिमेंट्स इसके हैं। तो पहले वाले सेट में कोई एलिमेंट्स बचते ही नहीं हैं जो इस एलिमेंट में ना हो, तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट इसका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया।